वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे होममेड हम्स सैंडविच। इस हम्स में मैं बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं करूंगी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। जो लोग वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट को लूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्स बनाने के लिए मैंने व्हाइट चने लिए हैं। चने को मैंने अच्छी तरह बॉइल कर लिया था। इसके लिए मैंने तिल लिए हैं। तिल को मैंने हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया था। लहसुन लिया है मैंने, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और भुना जीरा लिया है। बर्फ ली है मैंने। बर्फ से हमारी हम जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनेगी। इन सारी चीजों को मैं मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। सारी चीजों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। देखिए हम जो है कितनी ज्यादा स्मूथ बनी है। अब हम इसे बनाएंगे सैंडविच। मैंने ब्रेड ली है ब्राउन। आप कोई भी अपनी फेवरेट ब्रेड है जो वो यूज कर सकते हो। अब मैं इस पे लगाऊंगी हम जो हमने तैयार की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो और चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए मैं दोनों ब्रेड पे इसे लगा लूंगी। इसे लगाने के बाद इस पर खीरे, टमाटर और प्याज रखूंगी। थोड़ा सा इस पर मैं नमक लगा दूंगी और दूसरे ब्रेड को मैं इसके ऊपर रख दूंगी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। ब्रेड पे थोड़ी सी मैं देसी घी लगाकर दोनों तरफ से मैं इसको क्रिस्पी कर लूंगी। अगर आपके पास ब्रेड टोस्टर है आप और उस पर भी इसे बना सकते हो। ग्रिल टोस्टर है, आप ग्रिल पर भी इसे टोस्ट है वो कर सकते हो। दोनों तरफ से देखिए मैंने इसे क्रंची कर लिया है। अब मैं इसको करूंगी सर्व। देखिए मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है और टेस्टी भी बना है। अब हम इसकी करूंगी प्लेटिंग। मैंने इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। ये हमारा होममेड हम्स सैंडविच बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।